पोकेमोन अल्टीमेट जर्नीस के एपिसोड 47 में आप लोगों का स्वागत है। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें देखने को मिलता है कि हमारे हीरो जर्नी को कंटिन्यू करते हुए एक टाउन में आ चुका है। उसके बाद मिस्टी एक बैनोनेट पोकेमोन को देखती है और डर जाती है क्योंकि वो बागटे पोकेमोन थे। एंड हमें देखने को मिलता है कि हरियामा और कैमरन पोकेमोन काम कर रहे हैं। ऐसे बोलते बहुत अच्छे, तुम दोनों बहुत अच्छे काम कर रहे हो। उसके बाद हमारे हीरो को जानने को मिलता है कि यहाँ पे कॉन्टेस्ट होने वाला है। और फिर हमारे हीरो को देखने को मिलता है एक पोस्टर जहाँ पे स्क्वाटल था, यानी कि आज के स्क्वाटल हमें देखने को मिला है जो कि स्क्वाटल फायर फाइटिंग स्क्वाड का लीडर है एंड इसका ही होने वाला है इस टाउन में। उसके बाद एस बोलता है कि मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ इस क्वार्टर को एक और बार देखने के लिए। एंड फिर एस अपने पोकेबॉल से दो पोकेमॉन को बाहर बुलाते हैं जो कि बल्बासोर और चार्जर होता है। एस बल्बासोर और चार्जर को बोलता है कि ये देखो हमारे दोस्त इस क्वार्टर यहाँ पे कॉन्टेस्ट करने वाला है। बल्बासोर और चार्जर स्क्वाटर का पोस्टर देख के बहुत ही शौक हो जाते हैं और बहुत ही हैप्पी हो जाते हैं। और इधर टीम रॉकेट एक शॉप खुला है और स्क्वाटर से रिलेटेड सामान बेच रहा है, लेकिन तभी उस शॉप पे एस आ जाते हैं जिसके बाद टीम रॉकेट बहुत ही शौक हो जाते हैं। एस सोचता है कि मुझे कौन सा चीज लेना चाहिए। उसके बाद जैसे एस को बताती है कि ये सब लेना चाहिए और फिर हमारे हीरोस कुछ चीजें ले लेते हैं स्क्वाडल को क्लियर करने के लिए। और सच में यहाँ पे पिकाचू को देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा था। उसके बाद कॉन्टेस्ट स्टार्ट हो जाते हैं एंड टीम रॉकेट की एंट्री होती है। टीम रॉकेट यहाँ पे अपने घटिया सा डायलॉग बोलता है, उसके बाद यहाँ पे आग लगा देता है। उसके बाद हमारी एंट्री होती है हमारे स्क्वाडल स्क्वाड की, जहाँ पे सभी स्क्वाडल आ जाते हैं और ऐसे स्क्वाडल भी आ जाते हैं। यहाँ पे स्क्वाडल फायर फाइटिंग स्क्वाड को देख के सब लोग और हमारे हीरोज बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। उसके बाद सभी स्क्वाडल मिल के आग बुझाना स्टार्ट कर देता है, लेकिन इसी बीच स्क्वाडल एस को देख लेता है और बहुत ही खुश हो जाते हैं। और फिर एस के स्क्वाडल और सभी स्क्वाडल मिल के आग को बुझा देती है, जिसके बाद सब लोग यहाँ पे बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। यहाँ पे स्क्वाडल का बहुत सारे फैन है जो कि स्क्वाडल को देख के बहुत ही खुश हो जाते हैं। और फिर टीम रॉकेट यहाँ पे अनाउंसमेंट करते हैं कि सभी को स्क्वाडल के साथ फोटो खींचने का मौका मिलेगा और उससे मिलने का भी मौका मिलेगा, जिसके बाद सारे ही बच्चे स्क्वाडल से मिलते हैं फोटो खींचने लग जाते हैं। और फिर एस और उसके फ्रेंड बोलते हैं कि हम स्क्वाडल के दोस्त से हम स्क्वाडल से भी मिलना है, लेकिन टीम रॉकेट एस को मना कर देता है और बोलता है कि स्क्वाडल उस बिल्डिंग में रहते हैं, उस पे आ जाना मिलने के लिए, और एस को मिलने नहीं देता है। उसके बाद एस और उसके फ्रेंड चले जाते हैं यहाँ से, जो कि स्क्वाडल देखता है बहुत ही उदास हो जाते हैं क्योंकि एस उससे ना मिल के चला गया है। उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि सारे स्क्वाडल खाना खा रहे थे, लेकिन एस का स्क्वाडल खाना नहीं खा रहा था, वो उदास था। वो सोचते हैं कि एस बल्बासोर और चार्जर से कितना खुश था उससे नहीं मिला, जिसके बाद स्क्वाडल बहुत ही गुस्सा हो जाते हैं और गुस्से में बहुत जल्दी खाना खाना लग जाते हैं। और इधर एस और उसके फ्रेंड यहाँ पे बिल्डिंग के पास आ जाते हैं और एस बोलते हैं कि इसी बिल्डिंग में स्क्वाडल रहते हैं तो एक बार चेक कर लेते हैं, जिसके बाद एस और उसके फ्रेंड बिल्डिंग के अंदर आ जाते हैं और एस और उसके फ्रेंड को टीम रॉकेट यहाँ पे देख लेता है। और अब एस स्क्वाडल से मिलने जाते हैं, लेकिन टीम रॉकेट एस को रोक लेता है और जाने नहीं देता है। इधर चार्जर और बल्बासोर स्क्वाडल से मिलकर बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन स्क्वाडल चार्जर और बल्बासोर को इग्नोर कर रहा था, जिसके बाद चार्जर यहाँ पे फ्लेम थ्रो अटैक कर देता है मजाक से, लेकिन स्क्वाडल बहुत यहाँ पे गुस्सा हो जाते हैं और लड़ने लगते हैं। चार्जर भी बहुत ही गुस्सा हो जाते हैं और लड़ने लगते हैं, लेकिन बल्बासोर बीच में आके दोनों को रोक रहे थे, लेकिन तब स्क्वाडल वाटर गन अटैक यूज कर देते हैं बल्बासोर और चार्जर पे। उसके बाद बल्बासोर भी गुस्सा हो जाते हैं और उसके बाद स्क्वाडल बल्बासोर और चार्जर तीनों मिलकर बैटल करने लगते हैं, लेकिन बीच में ऐसा आते हैं और बोलते हैं रुक जाओ तुम तीनों एक दूसरे से बैटल मत करो, लेकिन तभी यहाँ पे स्क्वाडल वाटर गन अटैक यूज करते हैं, चार्जर फ्लेम थ्रो अटैक यूज करते हैं और बल्बासोर लीफ सीड अटैक यूज करते हैं एस के ऊपर, जिससे एस को डैमेज पड़ता है। एस बोलते स्क्वाडल काफी दिनों बाद मिल रहे हो, तुम्हें देखकर मैं बहुत ही खुश हूँ, लेकिन स्क्वाडल एस को भी इग्नोर कर देता है, जिसके बाद पिकाचू को भी गुस्सा आ जाते हैं और पिकाचू थंडरबोल्ट अटैक यूज करते फुल पावर से, जो कि सबको लग जाता है और सबको डैमेज भी पड़ता है और सबका हाल बेहाल हो जाता है, जिसके बाद बल्बासोर और चार्जर यहाँ से जाने लगता है। एस स्क्वाडल को समझाता है, लेकिन मिस्टर ब्रॉक बोलते हैं कि कोई बात नहीं एस, स्क्वाडल को थोड़ी टाइम के लिए छोड़ दो अकेला। और फिर उसके बाद मिस्टर ब्रॉक और एस यहाँ से चले जाते हैं, लेकिन यहाँ पे स्क्वाडल बहुत ही उदास था। मौके का फायदा उठा के टीम रॉकेट प्लान बना लेता है इसके बारे में। और फिर हमें देखने को मिलता है कि हमारे हीरोस एस मिस्टर ब्रॉक चार्जर बल्बासोर और पिकाचू सब खाना खा रहे होते हैं। एस बोलते हैं एक बात मुझे समझ नहीं आया कि स्क्वाडल ऐसा क्यों कर रहे हैं, चार्जर और बल्बासोर तुम लोगों को क्या हुआ है, चार्जर और बल्बासोर इग्नोर कर देता है। एस बोलते हैं तुम लोगों को याद है एक टाइम पे हम सब टीम बनकर काम कर रहे थे और सफर कर रहे थे, तभी हमें एस स्क्वाडल चार्जर और पिकाचू सबका फ्लैशबैक हमें देखने को मिलता है यहाँ पे। और इधर टीम रॉकेट छुपे हमारे हीरोस पे नजर रख रहे थे, उसके बाद अटैक कर देता है चार्जर बल्बासोर और पिकाचू को पकड़ने के लिए, लेकिन वो जाल जाकर हरियामा को लग जाता है, जिसके बाद हरियामा गुस्सा हो जाते हैं और टीम रॉकेट को अपनी तरफ खींच लेता है और गोल गोल घुमा के आसमान की तरफ फेंक देता है, जिसके बाद टीम रॉकेट यहाँ पे उड़ान चू हो जाते हैं लेकिन वापस आ जाते हैं और कैमरन के ऊपर आके गिर जाते हैं, लेकिन कैमरन यहाँ पे फायर अटैक यूज करते हैं, जिसके बाद टीम रॉकेट एक ओवर से फेल हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पे शॉर्ट सर्किट हो जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे ब्रॉक ऑफिसर जेनी को देख लेता है और प्रपोज करने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पे ब्रॉक का कुरोगन बाहर आके ब्रॉक का हाल बेहाल कर देता है और मिस्टी भी कान पकड़ के खींच ले जाती है। और इधर शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग जाती है, जो कि ऑफिसर जेनी देख लेता है और दौड़ के चले जाते हैं। और इधर एस उसके फ्रेंड भी स्मोक देखता है, जिसके बाद जाने की डिसाइड करता है। एंड हमें देखने को मिलता है कि स्क्वाडल जो कि एस के बारे में सोच रहा था, तभी स्क्वाडल को जानने को मिलता है कि यहाँ पे आग लग गया है, जिसके बाद स्क्वाडल और उसके फ्रेंड यहाँ पे सब लोग तैयार हो जाते हैं। और इधर हमें देखने को मिलता है कि इधर जोरों शोरों से आग लग चुका है, लेकिन यहाँ पे तभी स्क्वाडल फायर फाइटिंग स्क्वाड का एंट्री होता है, जिसके बाद सब लोग बहुत ही खुश हो जाते हैं और सारे स्क्वाडल मिलकर यहाँ पे आग बुझाना स्टार्ट कर देता है, लेकिन काम नहीं बन पा रहा था, जिसके बाद सारे स्क्वाडल हाइड्रोपम अटैक यूज करते हैं। इधर एस और उसके फ्रेंड यहाँ पे आ जाते हैं, जिसके बाद एस बल्बासोर और चार्जर का मदद लेने की कोशिश
करता है लेकिन चारिज़ार्ड और बल्बासुर मना कर देता है। एश और पिकाचू मिल के चले जाते हैं और इधर मिस्टी अपने पोकेमॉन को बाहर निकलती है और साइडा क्लॉन्जर और बालीडोट को हंड्रेड रुपए मैटा यूज करने को बोलती है और सभी मिलकर यहाँ पे आग बुझाने स्टार्ट कर देता है। लेकिन तभी स्क्वाटर को चोट लगने ही वाले थे लेकिन एश बोलते कोई बात नहीं स्क्वाटर मुझे पता है तुम ये कर सकते हो। उसके बाद स्क्वाटर अपने असली यूनिफॉर्म में आ जाते हैं जिसके बाद सारे स्क्वाटर असली यूनिफॉर्म में आ जाते हैं। सब लोग प्लान बनाते हैं और पूरी कोशिश करके हाइड्रोपा मैटा के यूज करते टीम वर्क करके और इधर एश भी पाइप के मदद से आग बुझाने की कोशिश करता है और सब मिलकर पूरी कोशिश करते हैं जो कि बल्बस और चार्जर देखता है और अब बल्बस और चार्जर भी एश के पास आ जाते हैं और आग बुझाने स्टार्ट कर देता है जो कि देख के एश बहुत ही खुश हो जाते हैं। और अब बल्बस और चार्जर और स्क्वाटर फिर से फ्रेंड्स बन जाते हैं और सभी मिलकर आग बुझाने स्टार्ट कर देता है। लेकिन तभी हमें देखने को मिलता है कि ऊपर कुछ पोकेमॉन फंस गया है जिसके बाद चार्जर के ऊपर स्क्वाटर और बल्बस और बैठ जाते हैं और उड़कर चले जाते हैं उस पोकेमॉन को बचाने के लिए। स्क्वाटर को वाटर गन अटैक यूज करने को बोलता है आग बुझाने के लिए और बल्बस और को वाइन हीप अटैक यूज करने को बोलता है जिसके बाद बल्बस वाइन हीप अटैक से सभी पोकेमॉन को बचा लेता है और सारे लोग यहाँ पे बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और सभी मिलकर फाइनली आग को बुझा देती है जिसके बाद सब खुश हो जाते हैं। और अब एश और स्क्वाटर गले मिलते हैं और सारे पोकेमॉन यहाँ पे आ जाते हैं लेकिन चार्जर फायर अटैक का यूज कर देता है जिसके बाद एश और स्क्वाटर हंसने लगते हैं और बहुत ही हैप्पी होते हैं। और इधर ऊपर से ये सभी चीजें लाइट एश दोबारा से देख रही होती है जो कि एश को अभी भी फॉलो कर रहा है। और यहाँ पे ऑफिसर जेनी आती है स्क्वाटर फायर फाइटिंग स्क्वाड को लेने के लिए एंड हमें शाम का सीन देखने को मिलता है जो कि यहाँ पे स्क्वाटर का गुड बाय होने वाला है। सारे स्क्वाटर कार में बैठ जाते हैं एश के स्क्वाटर जाने वाले थे। एश बोलते हैं दोबारा मिलकर खुशी स्क्वाटर हम फिर मिलेंगे। उसके बाद स्क्वाटर इमोशनल हो जाते हैं और एश से गले मिलता है जिसके बाद यहाँ पे सब खुश होते हैं एंड हमें स्क्वाटर का गुड बाय सीन देखने को मिलता है और स्क्वाटर चले जाते हैं। लेकिन तभी वहाँ पे बहुत सारे फैंस आ रहे थे। एश समझते हैं कि ये सब स्क्वाटर के फैन है लेकिन एश को जाने को मिलता है कि ये सब एश के ही फैन है जिसके बाद सारे फैंस एश को घेर लेता है जो कि बहुत ही खुश होता है सब लोग यहाँ पे। और यहाँ पे ये एपिसोड एंड हो जाते हैं।